हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने टेक्निकल डोमेन चैनल पे। दोस्तों, एक और मज़ेदार वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को एज ए राउटर कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके घर में इंटरनेट है और आपका राउटर ख़राब हो गया या आपको एक राउटर परचेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वाईफाई भी यूज करना है अपने घर में, जितने भी सिस्टम हैं या मोबाइल्स हैं तो उन पर वाईफाई भी यूज करना है, तो उसके लिए आपको मार्केट से राउटर परचेज करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप वाईफाई यूज कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको राउटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को डायरेक्टली एज ए वाईफाई यूज कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई नया राउटर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप राउटर की कॉस्ट बचा सकते हो और अपने घर के जितने भी सिस्टम है, चाहे लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर, उन पर वाईफाई यूज कर सकते हो। दोस्तों, ये मेरे घर में इंटरनेट की वायर आ रही है जो मेरे राउटर से कनेक्टेड है और उसके थ्रू मैं अपने पीसी पे लैन के थ्रू नेट चला रहा हूँ। मेरे पास जैसे राउटर नहीं है या आपके पास राउटर नहीं है, तो आप डायरेक्टली अपने जो वायर आ रखी है लैन की, जो इंटरनेट की आपकी वायर आ रखी है, आप उसको डायरेक्टली अपने पीसी पे कनेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, मैं अपने राउटर को निकाल देता हूँ और जो मेरी इंटरनेट की वायर आ रही है डायरेक्टली मैं अपने पीसी पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने पूरा राउटर को निकाल दिया है और जो अपनी मेरी इंटरनेट की वायर आ रही थी वो डायरेक्टली मैंने अपने पीसी पे कनेक्ट कर दी। अब मेरा इस पीसी पे तो नेट कनेक्ट हो गया है, अब मेरे को इस पे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करना है क्योंकि मेरे को वाईफाई अदर सिस्टमों पे यूज करना है। अब दोस्तों, इसके लिए मेरे सिस्टम पे तो वाईफाई इनबिल्ट नहीं है, मैंने उसके लिए वाईफाई डोंगल परचेज किया। अगर आपको अपने कंप्यूटर पे वाईफाई यूज करना है तो इसके लिए मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो कि आप अपने पीसी पे वाईफाई कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपके पीसी पे वाईफाई होना ज़रूरी है, अगर आपके पीसी पे वाईफाई नहीं है तो आप अपने लैपटॉप से इस इंटरनेट वायर को कनेक्ट कर सकते हो और उसके थ्रू मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके पूरे घर में वाईफाई यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने पीसी पे वाईफाई डोंगल ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है और इसके थ्रू अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मेरा वाईफाई भी ऑन है और मैं यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ से आपका कभी मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे जाके विंडो बटन प्रेस करके वाईफाई टाइप कर सकते हो। वाईफाई सेटिंग में जाके एक बार आप चेक कर लेना आपका वाईफाई ऑन है या नहीं है, उसके बाद इसको क्लोज करके फिर आपको विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है मोबाइल हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग को क्लिक कर लेना है और इसको भी एक बार ऑन ऑफ कर लेना है। अब जैसे ही आप ऑन करोगे अपना वाईफाई सेट कर सकते हो, अपने वाईफाई का नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हो और एडिट क्लिक करके वाईफाई का नेम और पासवर्ड दे सकते हो और इसको सेव कर ले। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि आप मैक्सिमम 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एज ए राउटर ये नहीं है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। अपना मैंने वाईफाई ऑन कर लिया है मोबाइल हॉटस्पॉट, अब मोबाइल हॉटस्पॉट की तरफ अब मैं अपने मोबाइल पे इजीली नेट कनेक्ट कर सकता हूँ। अब आप मोबाइल पे आप चेक करोगे, अब दोस्तों आप देख पा रहे हो, जैसे आप मैंने यहाँ पे दिया है मेरा जो हॉटस्पॉट का नाम अर्थ करके दिया। अब यहाँ पे मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहूँ, अर्थ का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और जो भी मैंने वहाँ पे पासवर्ड डाला 123456 जो भी है और उसके बाद कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों, इसमें एक ये है कि लिमिटेशन होती है कि आप मैक्सिमम 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन ये है, देखो दोस्तों मेरा नेट कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑफ कर दिया, तो मैं आप देखोगे मेरे मोबाइल से भी ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा मैं मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 8 डिवाइस से ज़्यादा पे यूज करना है तो आप क्या करो, एक तो आपने इस पीसी से कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर लिया, अब दूसरा आप क्या करो अपने लैपटॉप पे वाईफाई कनेक्ट कर लो और उसका मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर लो, ठीक है, उससे भी आप 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा है आप अपने मोबाइल पे वाईफाई कनेक्ट कर लो, उसके बाद इसको एज ए यूएसबी पे अपने किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लो और उसको यूएसबी ईथरनेट के थ्रू आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो अपने नेट से। इस प्रोसेसर से चाहो तो मल्टीपल डिवाइसों को अपने कनेक्ट कर सकते हो अपने घर में विदाउट एनी राउटर और एनी एक्स्ट्रा लैन केबल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।